कानपुर के दबोली मेन रोड स्थित झूलेलाल चौक का नामकरण नगर निगम द्वारा किया गया था। 21 मार्च को रात्रि के समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके विरोध में आज सिद्धि समाज व पूज्य सिद्धि पंचायत सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन का विरोध किया गया। विरोध इतना बढ़ गया कि जनता को संभालना नामुमकिन था। सभी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रतनलाल नगर चौकी प्रभारी राम रंजन गोविंद नगर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस व जनता के मुताबिक वहीं के कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाइट ऑफ नेशन से सौरभ त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। मैडम, क्या मामला है आज यहाँ का, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो झूलेलाल चौक बना है जी, इसको हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले इसको पास कराया, इसको बनवाया। अब ये किसी इतने झूलेलाल जी के नाम से अगर चौक बना, कुछ अराजक तत्व इसको तोड़ दिए। मुझे जानकारी है, मेरी पार्षद इस वार्ड की तो नहीं है, लेकिन इस समाज से ये हमारे शहर की पार्षद है, तो ये भी साथ में, और यहाँ का पार्षद भी सुबह से था, अभी नहाने धोने गया। यहाँ पब्लिक आप देख ही रहे हो। अब वो अराजक तत्व जिन्होंने तोड़वाया है, मैं अभी मेरी डीएम से बात हुई, अभी एसएसपी से भी बात हो जाएगी, तो या तो वो ट्रक हमारे लोगों को खुद को मिले तो मैं लोग पूछूं कि क्यों तोड़ा, किसके कहने से तोड़ा, और अगर उससे धोखे से लग गया और भाग गया तो भाई हमारा इसको बनवा दे, फिर हम अपना उस हिसाब से ठीक करवा लेंगे, और अगर किसी के साजिश के तहत तोड़ा तो उसके ऊपर कार्रवाई। यहाँ लोगों द्वारा आपको क्या जानकारी मिली, लोगों का क्या कहना है यहाँ पे? लोगों का कहना है कि ये साजिश के तहत तोड़ा गया, क्योंकि बता रहे हैं लाइट बंद कर की गई और आगे एक ठेला लगता था उसको हटाया गया, वो ठेला जरा सा नहीं टूटा, तो अगर वो ठेला नहीं टूटा तो ये कैसे क्या कहते हैं कि इतना मजबूत टूट गया, अब एक टक्कर नहीं लगा, हमें लगता है दो तीन।